नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाइज के और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। आज का अपना टॉपिक है लिंट फ्री क्लॉथ। लिंट फ्री क्लॉथ यानी कि ऐसा क्लॉथ, ऐसा कपड़ा कि जिसमें लिंट यानी कि थ्रेड ना हो। थ्रेड के बिना यूज करने वाला कोई भी क्लॉथ कपड़ा जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, उसका इसलिए थ्रेड उसमें नहीं होना चाहिए। और ये क्या रीजन है उसके कि बिना थ्रेड के कपड़ा हम लोग क्लॉथ यूज करते हैं क्लीनिंग पर्पज में या वाइपिंग पर्पज में, ड्राई क्लीनिंग या वेट क्लीनिंग हो, तो वो डिटेल्स में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये दोस्तों लिंट फ्री क्लॉथ आपने ऐसे देखा ही होगा या माइक्रोफिल्ड फाइबर के देखे होंगे अलग अलग क्लॉथ। ये क्लॉथ आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करने होते हैं। तो इसके रीजन क्या है और किसके लिए ये लिंट फ्री क्लॉथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है वो यहां देखते हैं। अ लिंट फ्री क्लॉथ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ दैट डज नॉट गिव अप एनी फ्लफ व्हेन यूज। यानी कि ऐसा कपड़ा कि जो अपने थ्रेड्स, अपने धागे क्लीनिंग करने के बाद वहां छोड़ता नहीं है। लिंट फ्री क्लॉथ डज नॉट लीव फाइन एंड शॉर्ट फाइबर्स ऑन अ सरफेस आफ्टर वाइपिंग। मतलब कि लिंट फ्री क्लॉथ, लिंट फ्री, लिंट मतलब कि धागा फ्री, धागा विरहित कपड़ा जो हम लोग यूज करते हैं। बीइंग अ फ्री ऑफ लिंट मीन्स द क्लॉथ इज लेस लाइकली टू बिल्ड अप चार्ज विच कैन कॉज ईएसडी। ईएसडी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो बीइंग अ फ्री ऑफ लिंट मीन्स द क्लॉथ इज लेस लाइकली टू बिल्ड अप अ डिस्चार्ज। अगर आपके पास थ्रेड बहुत सारे हैं और आप घिस रहे हो तो क्या हो सकता है, थ्रेड छोड़ेगा और वो थ्रेड्स आपके जब आप रबिंग करोगे या क्लीनिंग करोगे, वाइप आउट करोगे, तो वहां हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हो। तो वो भी अगर आप लिंट फ्री यूज करोगे तो उससे भी फायदा रहता है। Whenever cloth to be used in pharma manufacturing for cleaning purpose, it should be thread free as it loses thread and it will mix with the product, so that to avoid these lint free cloth should be used. अगर आप धागा छोड़ोगे या कपड़ा यूज करोगे जो कि धागा छोड़ता है और वो धागा आप इक्विपमेंट क्लीनिंग करोगे, इक्विपमेंट के क्रिवाइसेस रहते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, शार्प बेंडिंग रहती है, वहां आपका अगर थ्रेड्स वाला कपड़ा यूज करोगे तो उसके धागे वहां अटकने के चांसेस है, अटकने के बाद वो प्रोडक्ट में मिक्सअप होने के चांसेस है। तो इसलिए आपको वो क्लॉथ, जो क्लॉथ आप लिंट फ्री यूज करोगे ताकि वो धागा ना छोड़े, कोई थ्रेड ना छोड़े। अगर वो छोड़ेगा तो वो प्रोडक्ट में मिक्सअप हो सकता है और मिक्सअप होके वो फिर आपको थ्रेड एम्बेडेड इन टैबलेट, थ्रेड ऑब्जर्व इन सरफेस ऑफ टैबलेट, ऐसे करके मार्केट कंप्लेंट आ सकती है। वो पैकिंग में अगर ऑब्जर्वेशन में, इंस्पेक्शन में मिला तो ठीक है, नहीं तो वो मार्केट कंप्लेंट भी दे सकता है। इसलिए आपको जब भी क्लीनिंग करनी है, चाहे वो ग्रैनुलेशन एरिया हो, वॉश एरिया हो, कोई भी एरिया हो जिसमें आपको लिंट फ्री क्लॉथ ही यूज करना है। इट इज मेड अप ऑफ 100% पॉलिस्टर। तो ये बना किससे है, बनता किससे है, तो 100% पॉलिस्टर और ब्लेंड ऑफ पॉलिस्टर एंड नायलॉन मटेरियल लाइक कॉटन, सिंथेटिक फैब्रिक्स, वूल, ऑरलॉन, डैक्रॉन, पीटीएफई, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलिस्टर और रेयॉन। तो ऐसे मटेरियल है कि जो लिंट फ्री क्लॉथ बनाने में यूज करते हैं। डैक्रॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, रेयॉन हो गया, कॉटन हो गया। तो जनरली हम लोग कॉटन ही या पॉलिस्टर क्लॉथ यूज करते हैं जिससे लिंट फ्री क्लॉथ तैयार किया जाता है या थ्रेडिंग करके उसको या स्टिचिंग करके उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। तो ये था दोस्तों लिंट फ्री क्लॉथ। आपने बहुत जगह ये लिंट फ्री क्लॉथ से क्लीनिंग की होगी, तो ये क्लीनिंग का
लिंट फ्री ही क्यों यूज करते हैं, तो इसका रीजन ये था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका कोई भी इसमें डाउट्स है या कोई आपको कोई दूसरा टॉपिक्स चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चंस या आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। और आप चैनल पे पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले कुछ ऐसे ही नया इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।